हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की नई रेसिपी, तो आप लोग साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, तीन बड़ा साइज़ के मैंने आलू ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से छील लिया है, धो लिया है। और ये है कद्दूकस। इसमें जो खांचे बने हैं बड़े साइज़ के हैं, छोटे साइज नहीं, बड़े साइज़ में मुझे घिसना है। तो इसे देखिए मैंने घिस लिया है और इसको 5 से 6 पानी से मैंने इसे अच्छे से वॉश कर दिया है। और इसको जो है पानी से मैंने अच्छे से निचोड़ के हाथ से दबा के निकाल लिया है। और इसमें मैं देखिए कम से कम 3 से 4 चम्मच मैंने मैदा डाला है। आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर पाउडर मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 चम्मच। तो देखिए कॉर्नफ्लोर पाउडर है ये, इसे मैं 2 चम्मच डाल दे रही हूँ। अब इसमें मैं आधी चम्मच करीब लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप लोग तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और नमक डाल रही हूँ मैं टेस्ट के हिसाब से। और नमक इस समय डालिए जिस समय आप बनाए तुरंत, उसी समय नमक डालिएगा। और ये देखिए, इसमें मैंने 1 हरी मिर्च, 4 कली लहसुन, छोटा सा इंच अदरक का ले लिया है। इसे मैं कूट के डाला है। कूट के अगर डालेंगे तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। तो इसे मैं अच्छे से अब हाथ से मिला लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं हाथ से मिल चुका है। और जब इस तरह से ये बनने लगे तो समझिए कि हाँ हो गया है। इसमें ज़्यादा नहीं डालना है मुझे मैदा। तो इधर मैंने एक फ्राई पैन ले रखा है, इसमें ऑयल गर्म हो चुका है। एक एक करके मैं सारे इसमें डाल रही हूँ। अब ये देख चुके हैं सब मैंने डाल दिया है। और गैस को हम तेज़ी रखना है, स्लो नहीं करना है। तो ये देखिए हो चुका है। अब इसे मैं पलटा देती हूँ। एक एक करके सारे मैं इसे पलटा दे रही हूँ। अब तो ये देख चुके हैं पलट चुका है ये। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि इसकी कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो ये देखिए मैंने प्लेटिंग भी कर लिया है। और गैस बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं इसको। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाइएगा। और अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मुझे। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।